नमस्कार दोस्तों, आपके अपने किशन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो मैथ का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आज पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, तो देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 864 है और तथा मासा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एलसीएम एलसीएम इनटू एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम इसका 864 गुणा 144 बराबर पहली संख्या 288 गुणा सेकंड संख्या निकालनी है। तो पहले चार से काटते हैं, सातिया 12 क्या हो गए 24, चार अट्ठे चार चाचिंग 24, यानी 36 बार पूरा पूरा कट जाएगा। सातिया 12 या 24, चार पंजे 20, चार छिंग 24, चार सत्ते 28, चार दूनी 8, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, इधर आ गए 2, दो एकम दो, दो से इधर काटेंगे, दो चौक 8, दो तीय 6, दो दूनी 4, 432। सेकंड संख्या जो आ गई वो आ गई 432, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का लासा 225 है तथा मासा 5 है, तो उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम कितना है 225 गुणा मासा है 5 बराबर पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 निम्मा 225, 9 पंजे 45, तो बराबर 45, जो सेकंड संख्या आ गई वो आ गई 45, ऑप्शन नंबर सी। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में दो शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिनमें पहले की 4, 6 और 8 और 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम 4, 6, 8 और 12 और 16, जैसे कि दो से काटेंगे, दो दून चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, फिर काटेंगे दो से, दो एकम दो और यहाँ तीन कटेंगे नहीं, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, फिर काटेंगे दो से, ये तो खत्म हो गया, यहाँ तीन, यहाँ एक, यहाँ तीन और यहाँ दो, फिर एक बार और दो से काटेंगे, यहाँ तीन और यहाँ भी खत्म हो गया, एक रह गया, वो एक का कोई मान नहीं। तीन से फिर काट देंगे तो तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इसका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर आ गया 48। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, दो शेष बचता है, शेष को इसमें जोड़ देते हैं, टोटल आ गया इसका 50। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15 और 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में चार शेष बचता है। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 15 और 54, यहाँ पर 12, 15, 20 और 54,
जैसे कि पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 है, 15 कटेंगे नहीं, 10, 2 2 4, 2 27 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 5, और यहाँ 27। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 5 15, यहाँ 5 और 3 9 27, और 3 से फिर यहाँ 5 और 5, और यहाँ 3, फिर 3 से यहाँ 5 और 5 रह जाएंगे, वो एक खत्म हो जाए। अब 5 से 1, इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, 1 2 3 4, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो बन दिया 15 15 45, 45 45 दिया, 45 दूनी 90, 90 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी हो गए 540। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 540, और शेष कितने बच रहे हैं, इसमें ऐड कर देंगे 4, तो बराबर हो गए 544, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 24 है, तो एलसीएम तो पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इनका गुणनफल कितना है 24, तो इसकी जगह रख देंगे 24, और 24 रखने के बाद में इनका अंतर जो है इनका मासा लगभग इन दोनों का, इसमें जैसे 24 आएगा तो 24 में अंतर कितने का 2 का, तो हम ऐसे ही लगा के देख लेंगे, जैसे कि 24 के गुणनखंड होते हैं 2 6 और 4, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 6 4 24, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2, तो वो बुझ रहा है कि संख्या कौन, संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, तो जैसे 6 और 4, अब ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 6 और 4 ये 24 हो रहा है और संख्या भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें डायरेक्ट हम 6, 4 और इसके एलसीएम एचसीएफ के फैक्टर करके देख लेते हैं, 6 और 4, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का लासा और मासा इतना है, यदि उनमें से उन संख्याओं का योग इतना है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 495 × 495 495 × 5, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, 5 25 और यहाँ से 5 ने 45, इधर से फैक्टर में आपस में इनकी पहले गुणा कर लें, फिर फैक्टर कर लेंगे, तो 5 ने 5 25 के 5 हासिल लागे 2, 5 ने 45 और 2 47 हासिल लागे 4, और 5 24 और 4 24, 2475 आ गया इसका, 2475 आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ऐसा है इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जो कि पहले हम इसके लिए 5 से काटते हैं, 5 6 20, और 5 ने 45 और 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 ने 45 और 5 ने 45, अब 9 से कटेगी तो 11 बार,
ग्यारह निम्मा 99, अब 11 तो इसमें 11 निम्मा 99, तो 9 5 45 और 11 5 55 बन गया, यानी 11 × 5 बराबर आ गया 55। और दूसरी संख्या आ गई 9 × 5 बराबर आ गई 45, और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इनका टोटल योग 100 बैठ रहा है, और जो ही 100 दिया है तो इनमें इनका अंतर पूछा है, तो पहली संख्या 55 − 45 इनका अंतर आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। सात 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है तथा लासा 4147 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मासा कितना है 29, यानी HCF कितना है, HCF है 29 और LCM है 4147, और जो दोनों संख्याएं हैं वो 29 से बड़ी हैं। तो एक संख्या उनमें पहली संख्या जो हम मानेंगे उसे मान लेंगे 29x, और दूसरी संख्या जैसे मानेंगे उसे मान लेंगे 29y, 29y। तो इनका अब ये पहले से ही के पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM, पहली संख्या 29x इंटू 29y बराबर 29 × 4147, 4147। तो इनके लिए आपस में काटेंगे तो इधर 29 से इसे काटेंगे तो 29 से 29 कट जाएंगे, और जब इस 29 से इसे काटेंगे 4147 के लिए, तो यहाँ 4147 29 से काटेंगे, एक बार डाला तो यहाँ पे 11 11 में से और बाद में यहाँ पर रहती है यहाँ से एक, एक बचने वाला यहाँ पर लिखा, तो ये हो गए 124। अब 30 का तो 4 बार पढ़ेंगे फिर, तो यहाँ पर 4 बार फिर दोबारा से पढ़ेंगे, तो 4 बार में अब 30 चौका 120 होते हैं, उसमें से 4 घटा देंगे 120 में से, तो 116 आ जाएंगे, 116 यहाँ से करेंगे 14, 14 में से 6 गए, यहाँ पर 8 बचेंगे, 8 अब उतार लेंगे 7, तो ये 29 27, ये पूरे यानी इसका एक्स और वाई का मान आ गया बराबर 143, 143, 143 आ गया एक्स और वाई का मान। तो इसके फैक्टर करके देखेंगे 143 के, 143 के दो फैक्टर 11 और 13, ये दोनों आपस में इसके मल्टीपल है 11 और 13, तो इसमें अब 11 और 13 ये दोनों आ गए एक्स और वाई के। तो जो 13 जो है वो पहले आएगा और 11 जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला एक्स का मान है, यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर आएगा 11। अब इन दोनों का मान कहाँ पर रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर 29 29 × 13 ये एक्स का मान आ गया, ये वाई का मान 29 × 11, तो 13 × 117 हासिल आ गया 11, 13 × 26, 26 और 11, 26 और 11 हो गए 37, तो ये आ गया 370, 11 × 99 हासिल आ गया 9, 11 × 22, 22 22
बाईस सौ नौ इकतीस, ये आ गए 319। अब इन दोनों का, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 377 और 319, 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 696। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा? तो 28 और 42 के लासा और मासा का, तो एक इन 28 बराबर 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 चौक 28। ऐसे ही 42 के फैक्टर कर लेंगे, तो 42 के फैक्टर करेंगे 7 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। अब इनमें से वो फैक्टर लेते हैं जो कॉमन होंगे उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे 1 7 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84। तो इनका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 84, 84, ये आ गया एलसीएम। और एचसीएम में कॉमन फैक्टर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 7 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएम आ गया 14। अब क्या पूछ रहा है, इनका अनुपात पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे अनुपात एलसीएम, एलसीएम अनुपात एचसीएम, एलसीएम है 84 और एचसीएम है 14, 14 एकम 14, 14 6 84, 6:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चार संख्याओं की बेहद अधिकतम संख्या ज्ञात करें, जैसे 15, 18 और 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 11, 14 और 17 तथा 20 शेष बचता है, तथा 20 शेष बचता है, सब में अंतर है, चार चार का अंतर है अंतर। जैसे अंतर यहाँ 15, 15 में से 11 गया 4 बचा, यहाँ पर 18, 18 में से 14 गया बराबर 4 बचा, यहाँ पर 21, 21 में से 17 गया बराबर 4 बचा, 24, 24 में से 20 गया 4 बचा, यानी सब में अंतर कितने का? 4 का। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 15, 18, 21 और 24 का, 15, 18, 21 और 24 का, पहले 2 से काट लो, 2 पंजे 15 और 2 ने 18, 21 के 21 और यहाँ 2 एक 12 24। अब फिर 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। अब एक बार में चाहे 2 से काटो चाहे 4 से काट लो, बात एक ही है, 5 3 और 7 4। अब ये आपस में संख्या लगातार बराबर आ गई, तो कुछ नहीं, इनका एलसीएम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4। तो इनका एलसीएम आ गया टोटल 7 चौक 28। इनकी आपस में लगभग गुणा करके देखते हैं तो गुणा करके इनका एलसीएम आ जाता है 2520, 2520। इनका एलसीएम कितना आ गया? 2520। अब 2520 में, 2520 से ऐसे सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, 9999। अब इसे 2520 से 9999 को भाग देंगे तो 2520 से, तो लगभग इसमें 4 बार डालेंगे, 4 तो ज़्यादा 3 ही बार जाएंगे, तो 2520 को 3 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 8 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7560। इसमें से 7560 माइनस मार देंगे, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 2, यानी 2439 प्राप्त होगा। अब 2439 के लिए हम 9999 में से घटा देंगे तो हमें बचेगा 7560। ये 7560 यानी 9999 में से 2439